बच्चों कुछ दिन पहले मैं मार्केट में जा रहा था एंड व्हाट आई सॉ, मैंने देखा कि एक औरत अपने छोटे से 5-6 साल के बच्चे के साथ आ रही थी और बच्चे ने वहां पर एक बलून सेलर को देखा और जैसे उसने बलून वाले को देखा यानी गुब्बारे बेचने वाले को देखा, वो बोला मम्मा मुझे एक गुब्बारा चाहिए, प्लीज मुझे गुब्बारा दिला दो। और उसके बाद उस औरत का रिएक्शन देखने लायक था। स्टॉप इट, डोंट यू हैव मैनर्स? आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर लॉन्ग टाइम दैट यू हैव टू स्पीक इंग्लिश ऑल द टाइम इन फ्रंट ऑफ मी एंड दैट्स व्हाई आई एम सेंडिंग यू टू प्राइवेट स्कूल। Stop it. बच्चा कुछ नहीं बोला, बच्चों उसका बिल्कुल चुप बेचारा। He was about to cry. So मैं बताना चाहता हूं बच्चों, क्या आप अंग्रेजी इस तरह सीखोगे और क्या आप अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को इस तरीके से अंग्रेजी सिखाओगे? No, this is not the right way. इस तरीके से आप अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा सकते बच्चों। इस तरह से आप किसी को मजबूर करके, फोर्स करके अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा सकते। रादर व्हाट यू शुड डू, आपको उन्हें समझाना चाहिए दैट यू शुड मेक देम अंडरस्टैंड कि बच्चे अंग्रेजी बोलना क्यों जरूरी है। और जैसे उस औरत ने गुब्बारे वाले को देखा, आई थिंक उसे कहना चाहिए था बेटा गुब्बारा नहीं, आपको बताइए आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अगर आप सही बताओगे तो मैं आपको बलून दिला दूंगी। तो हो सकता है बच्चा आराम से इंग्लिश बोलता, मम्मी इसे बलून कहते हैं, प्लीज कैन यू गेट मी दिस बलून। हो सकता था, पॉसिबिलिटीज थी। तो बच्चों दैट्स अ वे टू टीच इंग्लिश, नॉट बाय थ्रेटनिंग, बाय स्कोल्डिंग, बाय शाउटिंग एट देम।